बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आबद एग्रीकल्चर में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों जो आपके साथ मियाँ चनू वाला मंडी से तमाम अजनास की कीमतें शेयर करेंगे। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि ज़रात से मुतलक तमाम तर मालूमात मिल सके। दोस्तों जो रेट्स आपको बताए जा रहे हैं ये 40 किलो एक मान के आपको बताए जा रहे हैं। और आज सबसे पहले हम सरसों से शुरू करते हैं। जिस अगर आपके पास सरसों पड़ी हुई है और इसके अंदर जो है वो क्वालिटी 2 से 3 से 4 किस्म की आती है। सबसे पहले एक लाल कलर की आती है, अगर आपके पास लाल कलर की सरसों पड़ी हुई है और उसका मॉइस्चर है जी तकरीबन 15 से 20, तो रेट्स जो हैं वो तकरीबन 7,000 रुपये से शुरू होते हैं और 1700 रुपये तक इसके रेट्स चले जाते हैं। अगर आपके पास काले कलर की सरसों है कैनोला, तो उसका जो रेट है वो तकरीबन 8,000-8,200 रुपये तक 40 किलो एक मन का रेट लगता है। इसके बाद दोस्तों आ जाती है पीली सरसों, जिसको कैनोला भी अक्सर कहा जाता है। पीली सरसों का जो रेट है वो इससे तकरीबन 1,000 रुपये ऊपर होता है। आज उसका जो रेट है वो 9,000 रुपये से लेकर 9,300-9,400 रुपये तक भी इसके रेट्स लग रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम मकई की बात करते हैं जी। मकई 2500 रुपये से लेकर 2900 रुपये तक 40 किलो एक मन फरोख्त हो रही है, क्योंकि उसके रेट्स उसके जो मॉइस्चर हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा खुश्क हो चुके हैं और इसी वजह से उसके जो मॉइस्चर वाला सिस्टम जो है वो अब नहीं है। इसके बाद दोस्तों तिल और तिली जो है वो 14,000 रुपये से शुरू होती है, 18,000 रुपये तक 18,300 रुपये तक इसकी जो कीमत है वो लग रही है। इसके बाद दोस्तों अगर गंदम की बात की जाए तो नई गंदम आप जानते हैं कि 3,900 रुपया गवर्नमेंट का रेट है और अब मंडियों के अंदर भी जो है वो गवर्नमेंट रेट तक जो है वो फरोख्त हो रही है, यानी कि 3,900 रुपये के अंदर फरोख्त हो रही है। इसके बाद दोस्तों अगर बाजरा आपके पास पड़ा हुआ है 3,000-3,050 रुपये, अगर आपके पास मूंजी पड़ी हुई है कायनात है 1121 है या 1509 है, ये 5,500 रुपये से लेकर 5,700-5,800 रुपये तक इसके रेट्स लग रहे हैं। ये थे दोस्तों आज मियाँ चनू गला मंडी में तमाम अजनास की कीमतें जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर की। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।